नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। भाई जॉब कोई भी हो, यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राइवर से रिलेटेड। जी हाँ, कि भाई ड्राइवर से रिलेटेड लोग गल्फ में पहले जाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग यूरोप की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए आप लोग एजेंटों से संपर्क करते हैं, एजेंट लोग तैयार बैठे रहते, इतना जॉब है उनके पास में, हद हो गई। सिंगापुर में इंडियन ड्राइवरों की इतनी मांग है कि वो बोलते हैं सिर्फ बंदे को भेज दो, हम सब कुछ यहीं दे देंगे, इंडियन वीज़ा से, इंडियन पासपोर्ट से, बिना कुछ देखे हम वीज़ा दे देंगे। जी हाँ, सच्चाई की बात यह है। एक बंदे ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे सिंगापुर से रिलेटेड, तो मैंने उनको देखा, सैलरी बताई $1300। जी हाँ, पैसा की बात करें तो मात्र 60,000 रुपये लगेंगे, जिसमें 30,000 यहाँ देने हैं, 30,000 रुपये उनको वहाँ देने हैं। तो पहले आप ऑफ़र लेटर देख लो, वीज़ा भी दिखाएंगे हम आपको। ये सिंगापुर का ऑफ़र है, द सिल्वर कस्ट, जी हाँ, इन ऐसे कुछ कंपनी का नाम है, और इसमें ज्वाइनिंग लेटर है, बाकायदा बंदे का नाम सब कुछ दिया गया है। सैलरी देख लो भैया, $1300 है। लाइट ड्राइवर का जॉब है, फूड रहना खाना कंपनी दे देगी, ड्यूटी 8 घंटे प्लस 2 घंटे ओवर टाइम। जी हाँ, ओटी का मतलब भैया ये गल्फ में मिलता है ओटी, लेकिन ये लोग यहाँ सिंगापुर में भी आपको दे देते हैं। ये ऑफर लेटर हो गया, हम आपको वीज़ा भी दिखा देते हैं साथ में लगे हाथ इसका। ये देख लो जी, बंदे का वीज़ा भी है, बाकायदा है, आप देख सकते हैं, वीज़ा में सब कुछ दिया गया है। वीज़ा प्रोसेसिंग फीस $350 ऐसे लिखा गया है वीज़ा के अंदर। जी हाँ, और बाकायदा इसमें ड्राइवरी का जॉब, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रिमार्क वगैरह, इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ये वीज़ा आपको दिख रहा है। जी हाँ, ये बंदे ने डॉक्यूमेंट मुझे दिखाए, मैं बोला भाई एजेंट से पैसों की कितनी बातचीत हुई, बोला सर 60,000 रुपये मात्र देने हैं, 30,000 यहाँ देने हैं, 30,000 वहाँ देने हैं। बंदे को ऑफर लेटर दे दिया गया, वीज़ा दे दिया गया। मैं बोला सर ऑफ़र लेटर पे कितना दिया, बोला सर ऑफ़र लेटर पे उसने 6,000 रुपये मांगे थे, मैंने उसको 3,000 रुपये दिए, पासपोर्ट मेरे पास है, 3,000 में सिंगापुर का वीज़ा और ऑफ़र लेटर बंदे को दे दिया गया, और अब वो 18,000 रुपये और मांग रहा है। मैं बोला भाई 3,000 रुपये दे दिए उनको तो भूल जाओ, क्योंकि 3,000 तो लोग तो 50,000 दे के भूल जाते हैं, तो 3 को तो छोड़ दो, 18,000 रुपये और मत देना, ये सिस्टम टोटली फेक। समझ में आ रही है बातें ये भैया? कोई वीज़ा नहीं है, कोई ऑफ़र लेटर नहीं है, 3,000 में। आप सोचिए यार, बिहार का लड़का कलकत्ता के ऑफिस में, 3,000 में बंदे को 6,000 मांगे जा रहे हैं, बंदा 3,000 दे रहा है फिर भी वीज़ा दे दिया। तो ये बातें कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, वहीं पर भी आपको वीज़ा नहीं मिलता है। सिंगापुर एम्बेसी में लोग लाइन लगा के धूप में खड़े होते हैं, आप सबको पता है, BFS के लोग चक्कर काटते रहते हैं, वीज़ा मिलता कहाँ है भैया? इतना आसान है वीज़ा सिंगापुर में? दूसरी बात, उस मूर्ख को ये पूछ कि इंडियन लाइसेंस से तू सिंगापुर में वीज़ा लगवा देगा ड्राइवरी का, सोचने की बात है यार, हद हो गई। ऐसे लोगों से बचने की सख्त ज़रूरत है, सावधानी बरतें, ऐसे लोग चोर और हरामी टाइप के ये बंदे होते हैं। अगर आपके आसपास में है, पैसा खाएं, तो भैया इनके खिलाफ़ में मुकदमा दर्ज कराएं, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।